आपके साथ है तो टेंशन की क्या बात है। तो मैं आप लोगों के लिए ले आ चुका हूं एक ऐसा FPS बूस्ट पैक जिसके हेल्प से आप GTA 5 को अपने लो एंड PC या लैपटॉप पे आराम से खेल पाओगे, चाहे आपके पास 2GB रैम हो, 3GB रैम हो। इनफैक्ट आज मैं आपको कर रहा हूँ डिवाइस को, उसमें खुद 3GB रैम है और उसमें अपन GTA 5 चलाने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी प्लेबल FPS मिलेगा दोस्तों, आप आराम से खेलोगे एंड यहाँ पर आप ग्राफिक क्वालिटी भी डल नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। जितने भी नेसेसरी फाइल्स लिंक है आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, गेम नहीं है कोई बात नहीं, वो भी मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। दूसरी बात कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देखो ये तो बहुत गलत बात है यार, दिवाली आने वाला है, हैप्पी दिवाली टू यू, सब्सक्राइब कर दो भाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट दिखा दूँ। ये देखो यहाँ पर रैम यूजेस मेरा 3.38 GB है, तो भाई इसमें अपन GTA 5 खेलेंगे वो भी अच्छे FPS के साथ। पहले आपको यहाँ पर हमारा जो FPS पैक है वो डाउनलोड कर लेना भैया, इसका लिंक मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने FPS पैक पे आ जाते हैं एंड भैया यहाँ पर मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जो GTA 5 का लैग है या आपके GTA 5 चल नहीं पा रहा है, इस वीडियो देखने के बाद आपका गेम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यार कॉन्फ़िग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो कॉन्फ़िग आपको प्रोवाइड किया, एक लो एंड एक अल्ट्रा लो एंड। तो भैया आप दोनों कॉन्फ़िग को एक दफ़ा यूज़ करके देखना। तो यहाँ पर मैं लो एंड कॉन्फ़िग पे जा रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर मेरे पास 3GB के आसपास यहाँ पर रैम है। तो सेटिंग्स पे अपन चलते हैं एंड यहाँ से आपको पूरा कॉपी कर लेना है, पूरा नीचे तक कॉपी करना है। यहाँ कॉपी करता हूँ मैं एंड आपको जाना डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद दोस्तों रॉकस्टार गेम्स दिखेगा, यहाँ पर आपको GTA 5 का फोल्डर दिखेगा, फिर से आपको वही कॉन्फ़िग यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे एडिट पे जाना है, या आप ओपन विथ नोटपैड भी कर सकते हो, तो बेटर रहेगा नोटपैड से ओपन करना। तो काफ़ी ज़्यादा यार लैगी लैपटॉप है यार। तो देखो जैसे इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा, क्या करना है आपको ऊपर से आपको ये वीडियो तक, ऊपर से लेके यहाँ तक आपको इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। एंड जो आपने कॉपी किया था सिंपली पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप एक इसे यहाँ तक टच कर लेना, देखो यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर इसे सेव कर लेना, ठीक है। सेव कर लिया एंड यहाँ पर आप कॉन्फ़िग वाला काम कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको सिंपली ऑप्टिमाइज पे आ जाना है दोस्तों एंड ऑप्टिमाइज में आपको क्विक CPU सेटअप दिखेगा, सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, फटाफट से मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसे हम लॉन्च नहीं करेंगे, सिंपली हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब आपने जाना रजिस्ट्री फाइल पे जाना है, ठीक है। एक एक करके आपको सभी रजिस्ट्री फाइल को डबल टैप करना है और यहाँ पर आपको यस कर लेना, ठीक है। तो हमारा एक रजिस्ट्री फाइल इसे ऐसे ही करके हम सभी रजिस्ट्री फाइल को करेंगे इंस्टॉल। चलिए इसे भी हम कर लेते हैं, रजिस्ट्री फाइल वाला भी काम कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे, आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एडवांस पे आना है, सेटिंग्स पे आ जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इसे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में क्लिक करना है एंड अप्लाई पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या सर्च करेंगे अभी, गेम मोड, ठीक है, गेम। तो यहाँ पर आपको गेम मोड सेटिंग आपको दिख जाएगा, इसे आपको सिंपली ऑन कर लेना। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहे तो प्लीज इसे ऑन कर लेना। और बगल में बाजू में ग्राफिक सेटिंग आपको दिखेगा, यहां पर आपको ब्राउज पे क्लिक करना है भाई, इसको तो आप जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड जहां कहीं भी आपने GTA 5 को इंस्टॉल करके रखा है, तो ये मैंने इसे यहां इंस्टॉल करके रखा है, तो GTA 5 का जो भी आपका लॉन्चर रहेगा सिंपली आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो यहां हमारा GTA 5 का लॉन्चर सेलेक्ट हो गया, ऑप्शन पे जाना है, यहां पर दोस्तों इसे आपको हाई पे कर लेना है, ठीक है। हाई में करके सेव कर लेना, ठीक है। यहां भी हमारा काम कंप्लीट होता है ये वाला। इनसे आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, ऑल सेटिंग्स पे जाना है, यहां पर आपको एप्लीकेशंस पे आ जाना है एंड यहां स्टार्टअप पे जैसे देख सकते हैं यहां पर, एंड यहां पर आप उन्हीं ऐप को सेलेक्ट करें जिनका आपका नीड है। अगर ये बाकी सब चेक है तो सिंपली आप इसे अनचेक कर लें, ठीक है। और तो वैसे यहाँ पर आपको और कोई सेटिंग्स नहीं करना, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स जो है कंप्लीट होता है ना दोस्तों। हमने जो क्विक CPU सेटिंग था उसे हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। यहां पर हमको सिंपली इसे क्लोज करते हैं, ओके। तो इसे आपको सिंपली टर्बो बूस्ट इंडेक्स को सबको 100 कर देना है, ठीक है, अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसे सभी को 100 करके अप्लाई करें, क्योंकि यहां पर आपका जो CPU का परफॉर्मेंस रहेगा वो काफी इनहेंस हो जाएगा, काफी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसे सिंपली मिनिमाइज करते हैं दोस्तों। चलिए
इसे हम ओके करते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं। अब क्या करते हैं, चलिए हम गेम ओपन करके देखते हैं एंड देखते हैं अपना गेम अभी कैसा चल रहा है। सिंपली हम वो यहाँ से लॉन्चर में इसे राइट क्लिक करते हैं एंड इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गेम ओपन हो चुका है, यहाँ पर काफी स्मूथली जो है हमारा गेम यहाँ पर वर्क कर रहा है एंड काफी अच्छा यहाँ पर अपने को प्लेबल FPS देखने को मिल जाता है। एंड जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ग्राफिक क्वालिटी है वो भी डल नहीं हुआ। इस तरह अपने लो एंड PC पे आप GTA 5 खेल सकते हैं वो भी अच्छे FPS के साथ। तो वेल गाइस यार, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज यार अपना एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो यार, जो GTA 5 खेलना चाहते हैं अपने पुराने PC या लैपटॉप पर वो खेल नहीं पा रहे क्योंकि यार लैग इतना करता है तो खेले कैसे। तो मैं मिलता हूँ एक और।